फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईजी किचन। फ्रेंड्स, आज ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यम्मी मूंग दाल का चिला बनाएंगे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनता है मूंग दाल का। ये देखिए, आधा कटोरी मूंग दाल को मैंने रात को पानी में भिगो कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें हम इस दाल को ऐड कर लेंगे। पानी इसका मैंने निकाल दिया थोड़ा सा, बस 2-3 चम्मच ही इसमें पानी मैंने रखा है, ताकि ये अच्छे से मिक्सी में मैश हो सके। ये देखिए, हरी मिर्ची है, अपने हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। एक मैंने हरी मिर्ची डाली, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। इन सब चीजों का हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, सब चीजों का इस तरह से पेस्ट बना लिया मैंने। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें बेसन का ऐड किया है। आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। चावल के आटे से ये जो हमारा चिल्ला है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक मैंने 1/4 टीस्पून जितना डाला है, आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़े से कलर को इनहेंस करने के लिए 1 पिंच जितनी मैंने हल्दी ऐड करी, थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया। बाकी और स्पाइसेस हम कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाली है, अदरक डाला है, उससे ही ये बहुत ही स्पाइसी बनेगा। प्री हीट कर लेंगे पैन को, जिसमें भी हमने चिल्ला बनाना है। हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। अब इस बैटर को हम डालेंगे। और अच्छे से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, स्पून से भी ये अच्छे से फैल जाता है, बट अगर आपको मुश्किल लगता है और बिल्कुल पतला चिल्ला खाना है, तो ये देखिए, ये मैंने एक मोटा सा पेपर लिया है, उसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से फैला लूंगी। धीमी आंच पर इसको सिकने देंगे। अब ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये मैंने प्याज कट करके रखा है बिल्कुल पतला पतला, वो इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। ये थोड़ा सा मेरे पास ग्रेटेड पनीर है, वो भी डाल देंगे, तो चिल्ला हमारा और भी यमी बनेगा। हल्के हल्के से इनको प्रेस कर देंगे, ताकि ये जो हमने सब्जियां डाली हैं वो थोड़ी चिपक जाएं। फ्रेंड, ये मेरे पास बटर है, हल्का हल्का इस साइड पर हम बटर डाल देंगे। एक साइड अच्छे से सिक चुकी है, अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। दूसरी साइड को भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको और क्रिस्पी खाना है, तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसको एक दोबारा से फ्लिप करके अच्छे से और क्रिस्पी कर सकते हैं। ये देखिए, कितना मजेदार सा क्रिस्पी हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऊपर डाल दिया। अब मैं ये आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर डाल लेंगे, थोड़े से ऑरिगेनो कट कर लेंगे। बनकर बिल्कुल रेडी है हेल्दी सा मूंग दाल चिल्ला हमारा। इतना यमी बनता है फ्रेंड्स, ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनता है, देख सकते हैं आप। जरूर से ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी को बहुत ही पसंद आएगी। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए, और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।